हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो के रिगार्डिंग हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। और मैं बता दूँ, ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, किस कोर्सेज के लिए हैं। सो ये जो हमारा लॉ है, मतलब जो हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले ICA के बारे में डिस्कस करेंगे, ये किस किस कोर्सेज के लिए हैं। ये CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन एंड BCom स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, वो स्टूडेंट जो CA फाउंडेशन में है, CS फाउंडेशन में है या BCom में है, उनके लिए ये पूरा का पूरा जो हम आज से एक्चुअल में मर्केंटाइल लॉ की शुरुआत कर रहे हैं, वो तीनों एक्चुअल में जो स्ट्रीम और कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, सूटेबल है। ओके, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ICA, ये पार्ट है मर्केंटाइल लॉ का। किसका पार्ट है? ये मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। ओके, मर्केंटाइल लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक्ट 1872 के अंदर इम्प्लीमेंट करा गया था। लेकिन स्टूडेंट, मैं बता दूँ, बिकॉज आफ्टर 12th एक्चुअल में क्या है, आप इन कोर्सेज में आते हो, जैसे CA है, CS है और एक्चुअल में BCom है। हालांकि BCom फर्स्ट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में हम पढ़ने को रिगार्डिंग हमें मिलता है, लेकिन एक न्यू सब्जेक्ट होता है हमारे लिए। तो एक्चुअल में क्या है, ये नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बेसिक से देखनी पड़ेंगी। किसी एक स्पेसिफिक एक्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा लॉ के बारे में कुछ जानना कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं लॉ के बारे में बात करूँ, तो लॉ क्या है, लॉ एक्चुअल में क्या है, हम बहुत बेसिकली समझते हैं। लॉ एक्चुअल में इंक्लूड्स एंड इट रिलेट्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? नियम कानून हैं। किसी भी एक काम के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लॉ के अंदर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब हम, मैंने बात कही कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, ये वीडियो जो CA फाउंडेशन स्टूडेंट है, CS और BCom, तो क्यों ज़रूरी है CA स्टूडेंट्स के लिए, CS स्टूडेंट्स के लिए और BCom स्टूडेंट्स के लिए लॉ को पढ़ना, क्या ज़रूरत है, क्यों हम एक्चुअल में क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, या क्यों ये सब्जेक्ट एक्चुअल में इन कोर्सेज के अंदर डाला गया है। तो स्टूडेंट, क्योंकि लॉ जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये तो कंटेन करता है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है, क्यों लॉ बनाए जाते हैं, व्हाई देयर इज नीड टू मेक लॉज, ओके, इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज क्यों बनाए जाते हैं। तो लॉ के बनाने के पीछे की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो भी अलग अलग एरियाज में क्या है प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है। और लॉ की अपनी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, बिकॉज सम ऑफ यू विल बी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस। तो ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जैसे हमारा संवैधानिक कानून होता है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ओके, क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक जो नियम कानून से डील करता है, हमारा टैक्स लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ है, जैसे सिक्योरिटी मार्केट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक लॉ है, दैट इज सिक्योरिटी लॉ। और एक्चुअल में क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे सिविल लॉ भी है, पर्सनल लॉ है, दैट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ, और एक कैटेगरी तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, दैट इज मर्केंटाइल वन, जो मर्केंटाइल लॉ है। तो स्टूडेंट, जैसे अलग अलग एरियाज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी लॉ है जो, मतलब हालांकि वो मर्केंटाइल का ही पार्ट है, तो एक्चुअल में क्या है, अलग अलग, जैसे टैक्स, वी कैन से टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को उसको समझने में, कैसे फाइल करना, ITR कैसे फाइल करनी है, कैसे क्या करना है, एंड सो ऑन, कैसे हम एग्जामिशंस अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जनरली क्या टैक्स वी कैन से लॉ बनाया गया, जो सारे प्रोविजन जिसमें कंटेन है, जो हमें बताता है टैक्स से रिलेटेड सिस्टम के बारे में, टैक्स फ्रेमवर्क के बारे में, एंड सेम विद इन केस ऑफ वी कैन से जो सिक्योरिटी मार्केट है हमारा, उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी लॉ है। तो एक्चुअल में ये ब्रांचेज, या एक्चुअल में जो लॉ है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग बनाया गया है, तो हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, मतलब CA स्टूडेंट और BCom स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम जो कोर्सेज में इंगेज हैं, जो कोर्सेज हम परस्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद जनरली जैसे CA है, तो एक्चुअल में क्या है, नाम ही मतलब पोस्ट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ऑडिट करोगे, तो इसके अलावा आप जनरली क्या करते हो, और भी हेल्प करते हो, मतलब कंपनी अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो आप उसको बताते हो कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, CA हो, CS हो, या एक्चुअल में आप BCom के बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हालांकि BCom लेवल पर ये सारे टाइप ऑफ लॉ नहीं पढ़ते, लेकिन CA, CS के अंदर आप पूरे, एक्चुअल में जो 5 साल का आपका एक टाइम पीरियड है इन दो कोर्सेज के रिगार्डिंग, जो मिनिमम है,
ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि कितने अटैम्प्ट आपके लग रहे हैं, लेकिन मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। तो ये पाँचों वीकेंसी सालों के अंदर, एक्चुअली क्या है 5 ईयर्स के अंदर, ये डिफरेंट वीकेंसी लॉ की नॉलेज सी एस सी एस स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, इसका जो वीकेंसी एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उसके बेसिस पर हम लर्न करते हैं और हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कि कैसे वीकेंसी, अगर ये प्रॉब्लम है तो लॉ क्या राह दिखाता है, क्या लॉ के अंदर उसके जनरली क्या हैं वीकेंसी रेमेडियल प्रोविजंस हैं जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे हम दूसरों की मदद करते हैं। इसीलिए तो सी ए सी एस के पास जनरली लीगल एडवाइस के लिए आते हैं लोग, कंपनी उनकी लीगल एडवाइस लेती है। तो हमें लॉ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हम एक्चुअल में क्या हैं, हम वीकेंसी हम एक टाइप से डॉक्टर हैं, मतलब ये सी ए सी एस और बी कॉम वाले कौन हैं, ये डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर कैसे, जैसे डॉक्टर होता है ना, जैसे जनरली डॉक्टर हैं वो अलग अलग वीकेंसी स्पेशलाइज एरिया में होते हैं। तो मान लो कॉमनली हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर हमारी परेशानियों को सॉर्ट आउट करता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हमें कोई अभी कैसे डिजीज़ है या अगर हम थोड़ा अनफिट फील कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या है वो हमें क्योर करता है, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व करता है। तो सेम हम सी ए सी एस और बी कॉम स्टूडेंट भी क्या हैं, वो डॉक्टर हैं, बिजनेस के डॉक्टर हैं, बिजनेस में जो परेशानियाँ हैं, जो परेशानी आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्चुअल में क्या है जो भी डिफ़िकल्टी फेस करी जा रही है, उनको कैसे किस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं राह जो है वो हम एक्चुअल में क्या है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज हम लॉ पढ़ते हैं और लॉ एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रूट प्रोवाइड करता है। इसलिए ज़रूरी है सी ए सी एस और बी कॉम स्टूडेंट के लिए लॉ पढ़ना, इसलिए इंक्लूड करा गया है आपके सिलेबस के अंदर। और स्टूडेंट मैं बता दूँ, चाहे अगर मैं मेनली बात करूँ एक्चुअल में क्या है जो सी ए सी एस है उनमें तो आप 5 सालों के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ लेते हो, बट बी कॉम लेवल पर आप मर्केंटाइल लॉ ही पढ़ते हो सिर्फ, ओके। तो चलिए यहाँ पर अब लॉ क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं तो लॉ का मीनिंग हैज़ टू बी वेरी क्लियर, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। और एक और बात स्टूडेंट, जैसे हम लॉ के अंदर देर विल बी डिफरेंट एक्ट जो हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के एक्ट्स को हमें डिस्कस करना है, और इसमें सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा एक्ट है मर्केंटाइल लॉ के अंदर ICA, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक बात समझनी ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये एक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि लॉ आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। और एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लॉ थ्योरेटिकल है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ अपनी क्लास 11-12 तक, एक्चुअल में 12th लेवल तक बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल होती है, तो सेम लॉ भी है तो उसको हम रट लेंगे, हम क्रैम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लॉ थ्योरेटिकल बेशक है, लेकिन अब आप उसको जनरली क्या नहीं कर सकते, सिर्फ लर्न करके, सिर्फ उसको क्रैम करके आप वीकेंसी कामयाब नहीं हो सकते या आपका काम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉ एक्चुअल में लॉजिक पर बेस्ड है, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आपके एग्जाम के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जहाँ आपसे सिर्फ पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई दिस एंड दिस, जो आपको 12th लेवल तक पूछा जाता है जिस तरीके से, आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल इन द सेंस दैट यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, कुछ फिगर्स नहीं होंगे, आपको केस स्टडीज दी जाएंगे, आपको स्टडीज दी जाएंगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, और वो जब भी आप सॉल्व कर सकते हो सही आंसर उसका जब ही कर सकते हो जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। तो हालांकि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है लेकिन बिल्कुल क्रैमिंग सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ आपको चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ओके। तो सबसे पहले हम एक्ट की बात करें, एक्ट होता क्या है, तो देखिए कोई भी चीज़ को एक्ट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो एक्चुअली कोई भी स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग जब एक्ट बनता है तो सबसे पहले बात आती है बिल की। सबसे पहले क्या होता है, बिल ड्राफ्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, बिल ड्राफ्ट करा जाता है। बिल ड्राफ्ट का मतलब तैयार करा जाता है। अब बिल को तैयार कौन करता है, बिल को तैयार कौन करता है, तो बिल को तैयार करता है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है और साथ के साथ जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मिलकर बिल को ड्राफ्ट करते हैं, बिल बनाते हैं। किसी एक स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम, ये किसी एक एरिया में बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एरिया इन टर्म्स ऑफ के एक्चुअल में क्या है, कोई वी कैन से स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के रिगार्डिंग क्या करा, जो एक्चुअल में क्या है बिल्कुल ड्राफ्ट करा, जो फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफिशियल्स मिलकर ड्राफ्ट करते हैं कि हाँ अगर हम ये चीज़ें कानून मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से इम्पोज करेंगे तो उस फील्ड की प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बिल की ड्राफ्टिंग, और बिल की ड्राफ्टिंग कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफिशियल। फिर जब ये बिल ड्राफ्ट हो जाता है, ये बिल जब ड्राफ्ट हो जाएगा तो ये कहां जाता है, बिल ड्राफ्ट होने के बाद जाता है पार्लियामेंट में।
कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। और हम अच्छे से जानते हैं पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, दैट इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस, मींस लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, कहाँ जाता है ये, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से है। तो एक्चुअल में जो बिल ड्राफ्ट करा फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफिशियल्स ने, वो पार्लियामेंट में जाएगा अप्रूवल के लिए। ओके, तो एक्चुअल में सबसे पहले जाएगा वो लोअर हाउस मतलब लोकसभा के पास। और लोकसभा में कौन लोग बैठे हुए होते हैं, लोकसभा में कौन लोग होते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं। रूलिंग पार्टी अगर हम करंट एग्जांपल से देखें तो रूलिंग पार्टी कौन है, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, जिसकी केंद्र में सरकार है। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी के जो वैकेंसी पर्सन हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पर बैठे होंगे? नहीं, इसके अलावा जनरली कांग्रेस के भी वैकेंसी जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लें, वहाँ उस पार्टी के भी जनरली ऑफिशियल्स वहाँ पर, मिनिस्टर्स वहाँ पर बैठे हुए होंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब बिल जो ड्राफ्ट हुआ है वो पार्लियामेंट में जाएगा सबसे पहले लोकसभा। तो लोकसभा में जो बैठे लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, अगर जो वो बिल है, ठीक है, मान लीजिए बिल है, तो ये बिल को देखेंगे और अगर उन्हें ये लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस बिल के अंदर लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो क्या कर देंगे, ये इसको पास कर देंगे। अब लोकसभा ने पास कर दिया बिल, तो कहाँ जाएगा ये, अपर हाउस मतलब राज्यसभा के पास जाएगा। अब ये भी इस बिल को देखेगी। ओके, अब ये इस बिल को देखेंगे कि एक्चुअल में क्या जिस फील्ड के रिगार्डिंग ये रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून बनाए जा रहे हैं, और ये एक्चुअल में बिल इसलिए ड्राफ्ट करा है ताकि पास करने के बाद कोई कानून के तौर पर इम्प्लीमेंट करा जा सके पूरे भारत के अंदर, तो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर ये लोग सेटिस्फाइड होंगे तो ये भी इस पर क्या कर देंगे, अपनी अप्रूवल दे देंगे। तो पहले बिल बना, बिल की ड्राफ्टिंग हुई, जो फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफिशियल्स करते हैं बिल की ड्राफ्टिंग, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, सबसे पहले लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा के लोग जब उसको मतलब अप्रूव्ड कर देते हैं, फिर वो हमारा जो राज्यसभा है उसके पास जाता है। व्हेन इट गेट वी कैन से एक्सेप्टेड और अप्रूव बाय द राज्यसभा, देन फाइनली ये किसके पास जाता है, ये जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। किसके लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब जो राष्ट्रपति है उसकी मंजूरी के लिए जो बिल एक्चुअल में क्या है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, वो लास्टली किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जिस बिल को अपर हाउस एंड लोअर हाउस क्या कर चुके हैं, पार्लियामेंट की जो वैकेंसी हाउसेज हैं वो पास कर चुके हैं, देन वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जो एक्चुअल में कौन है, अगर हम करंट की बात करें तो रामनाथ कोविंद है, इनके पास जाएगा। तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो स्पेसिफिक फील्ड के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉर्म में चाह रहे हैं कि कानून लागू हो, अगर वो सारे चीज़ें सही हैं तो क्या कर देंगे, ये ओके कर देंगे, मतलब अपनी एसेंट दे देंगे, अपनी मंजूरी दे देंगे। और जिस दिन मंजूरी दी जाएगी, जिस दिन मंजूरी दी जाएगी, ठीक है, जिस दिन या जिस डेट पर मंजूरी दी जाएगी, तब क्या होगा, वो बिल किस में कन्वर्ट होगा, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा। जिस दिन जिस तारीख में प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी बिल को दे देता है, तब वो बिल किस में कन्वर्ट होता है, तब वो बिल एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट एक और बात ये समझने वाली है कि वी आर द जनरल पब्लिक, ठीक है, हम जैसे आम लोग हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का खेल है, ये गवर्नमेंट वी कैन से जो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और वी कैन से जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ एक ऐसा कानून बन चुका है जो एक्चुअल में इतने टाइम पीरियड के बाद या इतनी तारीख से पूरे पूरे कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट साहब क्या रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, डायरेक्टली हमें बताएंगे कि हाँ आज ऐसे से मैंने क्या करा है, आज इस बिल को मंजूरी दी है तो ये एक कानून बन गया, लागू होगा। नहीं, हम एक्चुअल में क्या है, जब भी कोई बिल एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली व्हेन इट गेट द प्रेसिडेंट ऑफ एसेंट लास्टली, तो एक्चुअल में क्या है, हमें कैसे पता चलता है, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो एक्चुअल में नोटिफाई करती है, व्हेन द बिल इज गेट एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट, देन दैट पर्टिकुलर वी कैन से जो एक्ट है, जो मतलब बिल था जो एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसको नोटिफाई करा जाता है। कहाँ नोटिफाई करा जाता है, ऑफिशियल गैजेट में। कहाँ पर, ऑफिशियल गैजेट में क्या करा जाएगा, इसको नोटिफाई करा जाएगा, जो ये आप समझ सकते हो गवर्नमेंट की एक टाइप से ऑफिशियल मैगजीन है। ओके, जैसे मैगजीन से हमें इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल मैगजीन है जो ऑफिशियल गैजेट के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर जो दिन तारीख में जिस दिन और तारीख में बिल को मंजूरी दी है प्रेसिडेंट ने, तो वो दिन तारीख नोटिफाई करी जाएगी कि हाँ इस डेट में क्या करा गया, बिल को मंजूरी दी गई, ऑफिशियल गैजेट में होगा। जब ऑफिशियल गैजेट में चला जाएगा, तब हमें किसके थ्रू पता चलेगा, हमें मीडिया के थ्रू पता चलेगा, हमें
डिफरेंट सोर्सेज हमें मीडिया से पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे जो बिल जिस पर काम चल रहा था, जिस जो एक्चुअल में बहुत टाइम से अभी कैसे प्रोसेसिंग में चल रहा था, फाइनली उस बिल को मंजूरी मिल गई है और वो कानून की फॉर्म में तब्दील हो चुका है। और देखिए जहाँ बात करें ना, हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 3 स्टेजेस है, बिल की ड्राफ्टिंग करो, बिल पार्लियामेंट में पास करवाओ और एक्चुअल में प्रेसिडेंट एसेंट दे दे तो वो एक्ट बन जाएगा। हमें जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। किसी भी एक पर्टिकुलर बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने में एक लॉन्ग टाइम का वावी कैसे लॉन्ग टाइम इन्वॉल्व होता है। प्रोसीजर एक्चुअल में देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें काम काफ़ी या वी कैसे एक हर एक स्टेप में काफ़ी ज़्यादा टाइम एंगेज होता है, टाइम इन्वॉल्व होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो बिल की ड्राफ्टिंग करी लोकसभा ने तो ओके कर दिया, बट राज्यसभा ने किस बेसिस पर कि यहाँ ये कमियाँ हैं, ये चीज़ें सही नहीं है, फिर वापस बिल को दोबारा से ड्राफ्ट करा जाएगा, फिर लोकसभा राज्यसभा में पास करा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट बोल दे कि नहीं ये पॉइंट सही नहीं है, ये रूल सही नहीं है स्पेसिफिक, फिर उनको चेंज करा जाएगा, फिर वापस से शुरुआत से एक्चुअल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के पीछे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, आपने कोई ऐसा एक्ट पढ़ा है जो एक्चुअल में क्या है पहले किसी और ईयर के रिस्पेक्ट में था लेकिन आप न्यू फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो जनरली सबको पता होगा आपने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपने इसके साथ साथ सुना होगा कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में भी, कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में भी, जहां पहले चलता था 1956 का कंपनी एक्ट कंपनी को गवर्न करने के रिगार्डिंग, लेकिन 2013 में कंपनी को गवर्न करने के रिगार्डिंग एक नया कानून बना। तो क्या आपको ये लगता है कि 2013 के अंदर ही बिल ड्राफ्ट हुआ, फिर उसको पार्लियामेंट की एसेंट मिल गया, पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई? नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 को बदलने का काम सन 2000 से चल रहा था, 2000 से चल रहा था। कंपनी न्यू जो एक्ट था, बिल कंपनी बिल 2000 से चल रहा था जिसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी, फिर पार्लियामेंट सेशंस का मसला होता है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, तो फाइनली वो 2013 के अंदर जनरली क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में, फाइनली उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। तो देखिए 13 साल का एक लंबा समय लग गया कंपनी एक्ट 1956 को बदलने के अंदर। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि, और बहुत आसान नहीं होता कि अगर किसी एक्ट के अंदर हम फेरबदल करना चाहें तो वो बहुत ईजी नहीं है, उसके पीछे एक बहुत डिटेल प्रोसीजर है, एक वीकेंड से बहुत ज़्यादा एक फिक्स प्रोसीजर है जो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो अपने आप में काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो कि कैसे एक बिल एक्ट बनता है और एक्ट बनने के पीछे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो देन दिस इज अ मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ कैसे, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, सो यहाँ अब हमने ये समझ लिया कि एक्ट कैसे बनता है और हम किस एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम किस एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 1872 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। क्या मतलब है इसका कि 1872 में इस पर्टिकुलर, मतलब जो पहले ICB था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल था, उसको मंजूरी कब मिली होगी, 1872 में। और जब ये मंजूरी मिल जाती है तब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, फिर मीडियाज़ के थ्रू हमें पता लगता है। अगर हम बात करें एक्चुअल में ईयर है कि इस साल में हुआ, लेकिन दिन तारीख भी तो होती है, मतलब किस पर्टिकुलर डेट पर, किस पर्टिकुलर मंथ पर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 ईयर तो हम एक्ट के आगे लिखी हुई देख रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, डेट और मंथ क्या है, इट इज़ फर्स्ट सेप्टेम्बर। ओके, फर्स्ट सेप्टेम्बर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया, लागू करा गया था। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, एक्ट का मीनिंग हमने समझ लिया कि एक्ट क्या होता है, अब इंडियन का मतलब कि हम ये कानून कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं, कहाँ किन किन कंट्रीज में होगा, ये तो बहुत इजी है कि इंडिया में ही होगा क्योंकि आगे लग रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले, तो ये भारत में लागू होगा जो एक्ट है। लेकिन ये एक्ट किसके रिगार्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है ये एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनके ऊपर ICA 1872 के अकॉर्डिंग काम करा जाएगा, ICA 1872 के सेक्शन और उनके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हमने एक्ट का मतलब समझ लिया, इंडियन का मतलब तो समझना नहीं है क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी पर लगेगा, इट मीन्स सो दैट मीन्स दिस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो आपको लगेगा ना इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, आई ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअल में क्या है, जब हम कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो चीज़ों को उसी लिहाज से हमें समझना पड़ता है। हम अपना दिमाग या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं वी कैन से कंसिडर कर सकते। अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो अगर हम अपनी चला रहे हैं ना ज़्यादा, तो हम कभी उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें सारी चीज़ों को लॉफुल मैनर में ही समझना है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ स्टूडेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। अब इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉफुल एनफोर्सेबल हो। अच्छा, लॉ का मतलब तो ये कि कानून है, ठीक है, कानून के थ्रू हम इसको लेकिन एनफोर्स का मतलब क्या है? उससे भी पहले एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि एग्रीमेंट है। तो ये डेफिनेशन अपने आप में कई सवाल उठा देती है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ रहे हैं जिनका मीनिंग हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है लर्निंग है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इट इज़ नॉट अ क्रैमिंग सब्जेक्ट। ये क्रैमिंग सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सवाल उठा देती है कि भाई एग्रीमेंट क्या है और लॉफुल एनफोर्सेबिलिटी से क्या मतलब है यहां पर, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, तो एग्रीमेंट के बारे में आईसीए क्या कहता है? आईसीए ये कहता है एग्रीमेंट के बारे में कि एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम है एग्रीमेंट। मतलब अगर एक पार्टी किसी को कोई ऑफर दे और दूसरी जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट मतलब कोई एक्चुअली, अगर हम जैसे जनरली समझते हैं समझौता होना, तो समझौता जनरली यहाँ पर क्या है कि आपने किसी को कोई ऑफर दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्चुअल में क्या, मान लीजिए मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें आज जनरली क्या है अपने घर लंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ। तो मैंने ऑफर दिया एंड शी सेड ओके ठीक है, मैं लंच पर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट है कि मैंने जिस बंदे को या जिस बंदी को, जिस पार्टी को मैंने ऑफर दिया, उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है? वो एग्रीमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या है? तो आईसीए कहता है कि एग्रीमेंट क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम है एग्रीमेंट। मतलब व्हेन अ पार्टी गिव्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन एंड दैट पार्टी एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर ऑफर, देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं एक बात आपको रिमाइंड कर दूँ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द वीगन से डिटेल आस्पेक्ट रिलेटेड टू आईसीए। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी बेसिस पर बात कर रहे हैं, ओके? तो एक्चुअल में एग्रीमेंट समझ आया कि ऑफर है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम क्या है? एग्रीमेंट होगा। बट एक्चुअल में अब हम बात करें ना कि आईसीए एग्रीमेंट के बारे में ये कह रहा है, आईसीए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऐसे कह रहा है, तो हमें कैसे पता चला, कहाँ कहाँ ये बात कही जा रही है? क्योंकि आईसीए में बता दूँ कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मर्केंटाइल लॉ के पोर्शन में जो एक्ट है वो आईसीए है। तो हम अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल होता है ना कि हम जैसे आप जब लिटरेचर पढ़ते थे तो लिटरेचर में ऐसा होता ना कि कोई स्टोरी है तो उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते थे, तो उसका मीनिंग नीचे वी कैन से गिवन होता था कि यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो हमें पता चल जाता था, हम आइडिया रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं ना, तो उस एक्ट में जो हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या उसका मतलब वही है जो हम जनरली समझते हैं या कोई अलग मतलब है? तो उसके मतलब को बताया जाता है, और इसके लिए एक सेक्शन होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन सेक्शन, जहाँ पर सारी डेफिनेशन गिवन होती हैं। इसको हम डिक्शनरी सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है ना, व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी से सर्च कर लेते हैं, ओके? तो एक्चुअल में क्या है, इसी तरीके से जब हम चीजें पढ़ रहे हैं, टर्म पढ़ रहे हैं, अब इसका मतलब क्या होगा, ये हम कहां से ढूंढेंगे, डिक्शनरी सेक्शन से ढूंढते हैं, और डिक्शनरी सेक्शन है सेक्शन 2। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये कहां गिवन है, ये गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर। देखिए सेक्शन 2 बड़ा कॉमन है जहां सारी डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2, लेकिन क्लॉज क्या है, एच है। अब आप ये मत कहिएगा मैम ए बी सी डी खत्म, पहले एच आ रहा है। मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन है, जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले समझ आना चाहिए ना आपको। जिस पर्टिकुलर टर्म के रिगार्डिंग पूरा का पूरा कानून आप पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं पता आपको, तो आप कैसे समझ पाओगे चीज़ों को, ओके? तो सेक्शन 2 क्लॉज एच है, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की आउटकम है, ये कैसे पता चला? ये भी हमें सेक्शन 2 से पता चला, सेक्शन 2 का क्लॉज ई है। अब देखिए, जब हम अभी तो शुरुआत है, जब हम जितना आगे चलते जाते हैं तो नंबर ऑफ वी कैन से सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन के अलावा कॉन्सेप्ट के सेक्शन भी आते हैं, फिर क्लॉजेज होते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है चीज़ों को मेमोराइज करना।
तो अगर हम बात करें एग्रीमेंट, इसको आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो ई है, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि इसका क्लॉज ई है। ओके, तो एक्चुअल में एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाई लॉ हो। अब एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? एनफोर्सेबल मतलब वेयर राइट्स आर अवेलेबल। राइट्स कौन से? लीगल राइट्स आर अवेलेबल, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पार्टीज के पास कानूनी अधिकार मौजूद हों। ओके, जहाँ वेयर लीगल राइट्स आर अवेलेबल, जहाँ हमारे पास कानूनी अधिकार हों, लीगल रेमेडीज़ हों, ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास हो कि एक्चुअल में कानून हमें क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या हमें उसकी कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो लीगल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है वो एग्रीमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास क्या हो? लीगल राइट्स हों, कानूनी अधिकार हों, लीगल रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल हों, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, अच्छा, एक्चुअल में ये तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है, लेकिन कब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बन सकता है, कब कोई एक एग्रीमेंट उस वी कैन से कैटेगरी की फॉर्म ले सकता है जहाँ पर हमारे पास लीगल राइट्स हों और जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास लीगल राइट्स अवेलेबल हों। बिल्कुल, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है स्टूडेंट? एग्रीमेंट मे बी लीगल और सोशल। एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। अगर लीगल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर सोशल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैसे? चलिए समझ लीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा लीगल है या नहीं? तो लीगल के रिगार्डिंग मैं बता दूँ स्टूडेंट, कोई एक लीगल मतलब एग्रीमेंट जिसमें लीगल वी कैन से एनफोर्सबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में बन पाएगा। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा एसेंशियल एलिमेंट्स। किसी भी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या लीगल एग्रीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? उस एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। सॉरी, क्या होना जरूरी है? एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। ओके, क्या जरूरी है? एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। और ये एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन है। कहाँ गिवन है? सेक्शन 10 के अंदर गिवन है। अगर सेक्शन 10 के अंदर जो ICA का सेक्शन 10 है उसमें जो भी एलिमेंट्स बता रखे, अगर वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, तब वो लीगल एग्रीमेंट है, एंड देन ओनली इट कैन कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर असेंशियल एलिमेंट नहीं है तो वो कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ओके, तो अब हम आगे के डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, सिर्फ हमें इंट्रोडक्टरी बेसिस पर डिस्कशन करना था। तो एक्चुअल में हमने ये समझा कि हम क्यों लॉ पढ़ रहे हैं, क्यों हम लॉ पढ़ रहे हैं, क्या इसका कहीं ना कहीं इंटेंशन है, क्या पर्पस है CA CS और BCom स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो हम एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट कैसे बनता है, उसके पीछे क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, ICA कब आया, ओके, किस पर्टिकुलर मंथ में, किस पर्टिकुलर डेट में आया, और एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज है, जो एक एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग हमें पता चलता है सेक्शन 2 क्लॉज ई से, जो बताता है कि जब कोई पार्टी किसी को ऑफर देती है एंड व्हेन दैट ऑफर इज गेट एक्सेप्टेड बाय दैट पार्टी, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एग्रीमेंट में। ओके, और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि जहां हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल होंगी। और एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि हो भी सकता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो या नहीं भी हो सकता, अगर लॉफुल एनफोर्सेबल नहीं है। इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। लीगल कब होगा? जब उसमें सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और अगर एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सेक्शन 10 वाले, तो वो सोशल एग्रीमेंट होगा, और अगर एग्रीमेंट सोशल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को समझकर हम एक और बात कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझकर हम ये बात कह सकते हैं दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है। इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट देर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, फिर उसमें आता है एनफोर्सेबिलिटी। ओके, लेकिन हम क्या ये बात कह सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, अभी हमने समझा ना कि सारे नहीं हो सकते। नो कॉन्ट्रैक्ट कौन से नहीं होंगे जिसमें सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट ना
नहीं होंगे तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बिकॉज एग्रीमेंट ओनली इंक्लूड्स व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इट डजंट इंक्लूड द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एग्रीमेंट इंक्लूडेड है, ओके। सो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ हो। अब हम एक्चुअल में जो प्रॉपर एक्ट है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। एंड स्टूडेंट, इसके लिए हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए, जितना अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी हमें ये मोटिवेट करेगा कि हम आगे भी वीडियोज़ बनाएं, बिकॉज एक्चुअल में हम डिफरेंट कोर्सेज के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं तो हमें भी टाइम निकालना पड़ता है। तो जब तक हम आपका रिस्पॉन्स नहीं जान पाएंगे कि आप आगे लेक्चर चाहते हैं या नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको बहुत इमीडिएट बेसिस पर वीडियोज़ मिलें, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करके बताइए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है और हम बिजी शेड्यूल से हर पॉसिबल कोशिश करेंगे कि हम हर एक डिफरेंट क्लासेस के लिए रेगुलर और इमीडिएट बेसिस पे वीडियोस जनरली बनाएं और आप तक पहुंचाएं। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमने आज डिस्कशन करा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो डिटेलिंग है एक्ट की वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टूडेंट, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।